ये वो पेशेंट्स हैं जो कोरोना के आजकल दर दर भटक रहे हैं और हॉस्पिटल्स में बेड्स ना होने की वजह से, दवाइयां ना होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से इनको वापस कर दिया जा रहा है। तो ऐसे मरीज अपने लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं और इमरजेंसी इन लोगों की हेल्प कैसे कर सकती है? आपने जनरली देखा होगा इमरजेंसी में 4 या 5 बेड रहते हैं। मैं उन सब डॉक्टर्स को जिनकी छोटी छोटी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे एक छोटा सा भी बेड अवेलेबल है, वो इन मरीजों को कैसे अटेंड करें, एक 5 मिनट में सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आपने एक पेशेंट को अटेंडर के साथ लिटा दिया, अब आप इनके पास जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक गाउन डालिए, इससे कि ये इन्फेक्शन आपको मत हो जाए। तो सबसे पहले गाउन डाल लेना है। गाउन डाल लेने के बाद असेस करना है ये मरीज वाकई में आया किस मजबूरी की वजह से था। अगर इनके पास कोरोना की रिपोर्ट है और इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा चल रहा है, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में ये मॉनिटर्स रहते हैं। ये मॉनिटर्स हमारे को ऑक्सीजन लेवल्स बताते हैं कि मरीज की ऑक्सीजन कैसे चल रही है। ये पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब है जो आपको हॉस्पिटल में मिलता है। अगर आप देखिए, ये ग्राफ बनने के बाद एक वैल्यू आती है यहाँ पे, ये 100% ऑक्सीजन के साथ आया है। तो आपको ऐसी फैमिलीज को जो डर के मारे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है, उनको बताना है कि आप पहली बात खतरे में नहीं हैं और आप ऐसे मरीजों का घर पे आराम से इलाज कर सकते हैं जिनका भी ऑक्सीजन 90 से ज्यादा है। इन लोगों को ज्यादातर एक तो डर और एक खाना ना खाना, वोमिटिंग होना, डायरिया, मोशंस होना और सांस फूलने की तकलीफ होती है, खांसी की। तो सबसे पहले आप इन पेशेंट्स के अटेंडर को समझाना है कि आप मार्केट में मिलने वाले रेगुलर माउथ वॉशेस या घर में गर्म पानी के साथ नमक के साथ गरारे करिए। इसके बाद ये लोग क्योंकि कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए आपको घर का बना हुआ नींबू पानी, शिकंजवी जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, या मार्केट में बने बनाए ORS आते हैं जो आप पिला सकते हैं। कोशिश करिए मरीज को 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ देते रहिए। इसके बाद छोटे बच्चों का एक भूख लगने का सिरप आता है, सिप्रोहेप्टिडीन, ये कई नाम से मार्केट में आता है, बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। ये कोरोना का इलाज नहीं है, पर इससे भूख लग जाती है, भूख खुल जाती है। जैसे ही मरीज खाना शुरू कर देता है, वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगता है, उसमें फेथ आ जाता है। अब ज्यादातर कोरोना का ट्रीटमेंट जो भी हम हॉस्पिटल में करते हैं, वो उनके बुखार के लिए, छाती में खड़खड़ के लिए, सांस फूलने के लिए होता है। बुखार के लिए कई बार हम लोगों ने समझाया मार्केट में आने वाली पैरास्टामोल की कई ब्रांड की दवाइयां, जो 2 से 3 बार ली जा सकती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर छोटा हो, कोई वेट में कम हो, तो गोली को आधा कर दीजिए। ये गोलियां ऑन द काउंटर अवेलेबल है और सेफ है, इसके लिए आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है पैरास्टामोल के लिए। एसिडिटी के लिए कई लोग पेंटोप्रोजोल, रेबीप्रोजोल खाते हैं। खांसी के लिए मार्केट में बहुत सारे सिरप आते हैं, सब एक जैसे हैं। अब ये तो हो गया सिर्फ सिम्टम्स का इलाज, कि आप अपनी ऑक्सीजन चेक करिए, आप खाना खाइए, आप अपना सैनिटाइजेशन और मुंह साफ रखिए और तकलीफों की इलाज करिए। अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा अगर मान लो इसी मरीज का ऑक्सीजन कम होता और मैं बोलता ये ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में मिलता है, तो इसको कैसे लगाते हैं? लोग बहुत घबराते हैं। अगर आप देखिए, मार्केट में ऐसे ऑक्सीजन के मास्क आते हैं, ये मास्क मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये मास्क में एक एंड एक पाइप रहता है और दूसरा एंड दूसरा पाइप रहता है। एक पाइप इस मास्क के साथ जुड़ जाता है, लो जुड़ गया। ये वाला पाइप आप ऑक्सीजन सिलेंडर के इस वाले एरिया में लगा सकते हैं। इसके बाद एक नॉब आती है और ये ऑक्सीजन कितने लीटर पे चलानी है, ये सबके साथ ये बनाया आता है जब भी आप लेते हैं। तो आप ऑक्सीजन को पहले 2 या 3 लीटर पे खोलिए। इसके बाद आप देखिए इसमें हवा आ रही है कि नहीं। पेशेंट्स को आराम से लिटा के ये ऑक्सीजन मास्क आप
कंफर्ट करके लगा दीजिए और ये ऑक्सीजन देखते रहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद नहीं बढ़ रही तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और ऑक्सीजन इंप्रूव होती जाएगी, हर मिनट के साथ इसको थोड़ा थोड़ा घटाते जाएंगे कि हम 90 तक मेंटेन कर लें, क्योंकि ये सिलेंडर बहुत कम ऑक्सीजन के साथ आते हैं, ये एक दिन में खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑक्सीजन का यूज कम से कम करिए, ज्यादा नहीं। दूसरा, मार्केट में ये छोटे मॉनिटर्स आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोल के, ये पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ एक बटन के साथ ऑन हो जाता है और ये एग्जैक्ट सेम रीडिंग देता है जो रीडिंग बड़ा मॉनिटर हॉस्पिटल में देता है। आप देखिए ये भी 100% बता रहा है ऑक्सीजन, और ये वाला पल्स ऑक्सीमीटर भी इस पेशेंट की ऑक्सीजन जब मापता है तो वो भी इसको 100 ही बताएगा, पर ये बताने में जब तक ये ट्रायंगल आते हैं फिर ये वैल्यू आनी शुरू होती है। देखिए, तो ये छोटे पल्स ऑक्सीमीटर बड़े पल्स ऑक्सीमीटर ऑलमोस्ट सेम तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। लोगों का सवाल ये है कि मार्केट में या तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही और मिल रही है तो कम है, तो हम क्या करें? तो आप के पास, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है या जिस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप मरीज को समझाना पड़ेगा कि आप औंधे मुंह होके लेटिए। एक तकिया, दो तकिया, तीन तकिया, इस तरफ तकिया, आपकी मर्जी है। कोशिश ये करें कि मरीज ऐसे उल्टा होके लेटे 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद अगर ट्राई करें तो वो लेट एक करवट भी ले सकता है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट औंधे मुंह से होता है। क्या ये साइंस है? 100% ये साइंस है। पुराने जमाने में जब लंग्स की डिसीज हो जाती थी और लंग्स बहुत बैडली खराब हो जाते थे तो भी ये वेंटिलेटर के ऊपर भी पेशेंट को उल्टा करा जाता था। उसका कारण क्या है? जो ये बैक साइड ऑफ लंग्स के अंदर जो एयर स्पेसेस है उसको कोरोना अफेक्ट नहीं करता, इसलिए पेशेंट को उल्टा करने से वो रिजर्व स्पेसेस खुल जाती है। उन रिजर्व स्पेसेस के साथ आदमी आराम से नई ऑक्सीजन बना सकता है, और जब तक ऑक्सीजन नॉर्मल लंग बनाने नहीं लगता जब तक के लिए आपको सपोर्ट करता है। इस वक्त मरीज को कहना है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखे और अब आप ऑक्सीजन चेक करिए। जब आप ऑक्सीजन चेक करेंगे और पेशेंट की ऑक्सीजन कम आ रही होगी, देखिए 97, अब आप डीप ब्रीदिंग करिए साहब। आपके सामने ये ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, आप ब्रीदिंग करते जाइए सर, जितनी आपको एफर्ट होता है आप ब्रीदिंग करिए। देखिए 97 से 98 हुआ, ब्रीदिंग करते जाइए सर थोड़ी थोड़ी, 99 हुआ, और आप देखेंगे उल्टा लेटने से 5% तक का बेनिफिट हो जाता है। 95 वाली ऑक्सीजन कभी कभी 98-99 तक पहुंच जाती है। सिर्फ बगैर ऑक्सीजन के एक दिन में आधे से दो घंटा उल्टा लेटने से बहुत फर्क पड़ जाता है। पर लोग पूछेंगे क्या ये इनफ है, क्या इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ है, बहुत सारी मार्केट में आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डेटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टीरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टीरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी UK में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर UK ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टीरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है। पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है, इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए।
जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयाँ जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयाँ आई थी, वो सारी दवाइयाँ फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है, इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयाँ भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोगों की ऑक्सीजन 93 से कम है वही लोगों को इतने सब दवाइयों की ज़रूरत है। जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टीरॉइड की ज़रूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज़ याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीज़न नहीं है कि हम कोरोना से हाथ जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीज़ें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ।